मोहम्मद शमी इस बड़े टूर्नामेंट में मैदान पर बिखेरेंगे जलवा। T20 वर्ल्ड कप को लेकर शुरू कर दी तैयारी। हसीन जहां ने भी खूब काटा था बवाल। सामने आ गया धर्म को लेकर ये बयान। मोहम्मद शमी ने कही है बड़ी बात। पाकिस्तान में मच गया घमासान। एक मुस्लिम कैसे कर सकता है ये बड़ा काम। राम मंदिर पर आया शमी का बड़ा बयान। पूरे भारत में गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की सड़कों तक राम गीत गाए जा रहे हैं। पूरा देश प्रभु राम के आने की खुशी में झूम रहा है। इस बीच एक मुस्लिम क्रिकेटर का राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान आया है। ये मुस्लिम क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि वनडे वर्ल्ड कप में अपनी गेंदों से तूफान मचाने वाले मोहम्मद शमी है। उन्होंने राम मंदिर और प्रभु राम को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। इनकी इस बात से एक बार फिर से पाकिस्तानियों के मुंह पर जोर की चपेट लगी है। साथ ही देश में हिंदू मुस्लिम को अलग करके देखने वालों को बड़ी नसीहत भी मिली है। मोहम्मद शमी ने राम मंदिर और प्रभु श्री राम को लेकर क्या बयान दिया है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने धमाकेदार प्रदर्शन कर सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया था। हर कोई मोहम्मद शमी के खेल का दीवाना हो गया था। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान और वहाँ के लोगों ने मोहम्मद शमी को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। इससे पहले मोहम्मद शमी की एक्स पत्नी ने भी शमी की देशभक्ति पर सवाल उठाया था, लेकिन बाद में सारी बातें कोरी अफवाह और आरोप निकली। दूसरी ओर पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि शमी ने इंडियन टीम के प्लेयर होने के बावजूद अपनी मर्जी से धार्मिक जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। पाकिस्तानियों का आरोप था कि वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ मैच में विकेटों की झड़ी लगा रहे शमी तीसरा विकेट लेने के बाद जमीन पर बैठ गए थे। पाकिस्तानियों का कहना है कि वो सजदा करना चाह रहे थे, लेकिन इंडियन क्रिकेटर होने के नाते वो डर की वजह से सजदा नहीं कर सके। हालांकि बाद में मोहम्मद शमी ने इसका पाकिस्तानियों को जोरदार जवाब दिया था। अब शमी ने इस बात को दोबारा दोहराने के साथ राम मंदिर पर अपना बयान दिया है। शमी ने एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि हर धर्म में आपको 5 से 10 ऐसे लोग मिलेंगे जो विपरीत धर्म के व्यक्ति को पसंद नहीं करेंगे, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने वनडे विश्व कप 2023 के दौरान उनसे जुड़े सजदा विवाद के मुद्दे पर भी बात की। दरअसल पाकिस्तानी फैंस ने आरोप लगाया कि शमी में इतना साहस नहीं था कि वो एक मैच के दौरान विकेट लेने के बाद अल्लाह को सलाम करने के लिए सजदा कर सके। शमी ने दावा किया कि उन्हें इस तरह की आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है। शमी ने कहा कि जैसे सजदा का विषय आया, अगर राम मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में क्या दिक्कत है, इसे 1000 बार कहो। अगर मुझे अल्लाह अकबर कहना है तो मैं 1000 बार कहूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। बता दें कि मोहम्मद शमी चोटिल होने की वजह से वनडे वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया है जिसमें शमी ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि IPL में मोहम्मद शमी की वापसी होगी, इसके बाद वो T20 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा हो सकते हैं। बता दें कि मोहम्मद शमी IPL में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं और अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले 2 सीजन में शमी का प्रदर्शन शानदार रहा है।